अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पैसे वाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे आम जो टेंसेस की रूटीन है, मैं बार बार इसे रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैड इस्तेमाल होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब हम इसको पैसे वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। इस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक्टिव वॉइस की, ही हैड ईटन मैंगोज, वो आम खा चुका था। अब हम इसको पैसे वाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंगोज जो हैं ये ऑब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे। ही जो था वो सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद बाय लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। मैंगोज हैड बीन ईटन बाय हिम। याद रखें परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बीन का उसके साथ इजाफा हो जाएगा, तो हैड बीन बन जाएगा। ठीक है, बाकी वही प्रिंसिपल्स हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में, उसके साथ बाय लगता है और बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट होती है। इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद लिया गया था, लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग, कल तक तमाम रजिस्टर इकट्ठे कर लिए गए थे, ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल यस्टरडे, उसको हथकड़ी लगाने से पहले पीटा गया था, ही हैड बीन बिटन बिफोर ही वाज हैंडकफ्ड, सैलाब आने से पहले लोगों को खबरदार कर दिया गया था, पीपल हैड बीन वार्न्ड बिफोर द फ्लड केम, गाड़ी रवाना होने से पहले टिकट घर खोला जा चुका था, द बुकिंग ऑफिस हैड बीन ओपन्ड बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, ये आपने इसको सारा पढ़ना है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, हमने बनाने हैं हो तो इसके साथ हैड के बाद नॉट लगा देंगे। शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था, द ट्रेवलर हैड नॉट बीन रिटर्न होम बिफोर इवनिंग, शिकारी जाल बिछाने से पहले नहीं छुपा था, द हंटर हैड नॉट बीन हिडन himself before setting the net, April से पहले ईंटें नहीं पकाई गई थी, bricks had not been fired before April, आज तक इस जानवर के बारे में कुछ मालूम नहीं किया गया था, nothing had been known about this animal till today। ठीक है, आपने ये सारा कुछ पढ़ना है। और अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और अगर उसके साथ कोई वर्ड वेयर वन टाइप का वर्ड है तो उसको हैड से भी पहले हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये प्रिंसिपल सारे टेंसेस के लिए भी यही है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस। क्या कुआं शाम से पहले खाली किया जा चुका था, हैड द वेल बीन एम्प्टाइड बिफोर इवनिंग, क्या आपके स्टेशन पर पहुंचने से पहले टिकट जारी हो चुके थे, हैड टिकट्स बीन इशूड बिफोर यू रीच द रेलवे स्टेशन, मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था, वाई हैड द टेबल बीन लेड बिफोर द गेस्ट्स कम, क्या तुम्हारे जाने से पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी, हैड द रेजोल्यूशन बीन पास्ड बिफोर यू लेफ्ट। तो ये सारी बातें हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। सिंपल बात याद रखनी है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ आगे बीन लग जाएगा जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।